शशि वो गुड़िया वाला जरा सुना दो। कौन सा? जो एक खेलती गुड़िया वाला लिखे थे आप। आपने जो गुड़िया वाला लिखा है, बहुत ही अच्छे इशू पे है, अच्छा बनाइए, बहुत कमाल की चीज है। मेरे हाथों की रोशनी गुड़िया, मेरे हाथों की रोशनी गुड़िया, माँ दिला दे मुझे मेरी गुड़िया, मेरे हाथों जो मेरा गम समेट लेती थी, जो मेरा गम समेट लेती थी, काश मिल जाए फिर वही गुड़िया, काश मिल जाए फिर वही गुड़िया, माँ दिला दे मुझे मेरी गुड़िया। जब ज्यादा उदास होता हूँ, जब ज्यादा उदास होता हूँ, देख लेता हूँ खेलती गुड़िया, जब ज्यादा कल ही मेहंदी लगी थी हाथों में, कल ही मेहंदी लगी थी हाथों में, आज चूल्हे में जल गई गुड़िया, कल ही मेहंदी लगी थी हाथों में, आज चूल्हे में जल गई गुड़िया, जो समझ खुद ही एक खिलौना है, जो समझ खुद ही एक खिलौना है, उसको भी चाहिए कोई गुड़िया, उसको भी चाहिए कोई गुड़िया, माँ दिला दे मुझे मेरी गुड़िया। बहुत बेहतरीन, और आज इनकी पता नहीं इसको कविता कहूँ या गाना, जो भी था ये गजल है, जो भी था गजल। नाम है शशि भूषण समद के नाम से, मैं लिखता हूँ। कहाँ मिलेगा ये? ये सारी फेसबुक वगैरह वगैरह और जितने भी मतलब मेरे अकाउंट में मिल जाएंगे, और कुछ कुछ जगहों पे छपे हुए भी हैं, इधर उधर थोड़ा खोजना पड़ेगा। हर एक लाइन कहीं ना कहीं दिल में उतर रही थी, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, और जब वो वाली लाइन जब आपने बताया कि एक लड़की है जिसके हाथ में आज मेहंदी लगती है और कल फिर चूल्हे में जल जाती है उसकी गुड़िया, वो लाइन बार बार ऐसा फील करा रही थी, कहीं ना कहीं गांव देहात में एक लड़की जिसकी उम्र नहीं होती, उससे पहले जब उसकी शादी हो जाए करती है, अभी वो ठीक से बोलना और संस्कारों को सीख ही रही होती है, तभी उसको एक घर की बहू बनाकर किसी के घर भेज दिया जाता है और वो उस संस्कृति में अपने आप को ढालने की कोशिश करने लगती है। तो आपकी ये जो गज़ल थी मुझे उस तरफ ले जा रही थी, और मैं उस परिस्थिति में देख रही थी एक लड़की को, बहुत बेहतरीन। वही कह भी रहा था मैं एक्चुअली। जय साहब, आपके पास भी कोई शब्द नहीं है लग रहा है मुझे ये सुनने के बाद। जय साहब जरा करिए कुछ, फिर कैसे बन गया रकम। आप देखिए सचमुच में इनकी जो एक एक पंक्तियाँ थी ये हमको झकझोर रही थी, चाहे इन्हें गीत के रूप में लिया जाए, काव्य के रूप में लिया जाए, इनकी लेखन कला और प्रस्तुति की कला दोनों ने इस पूरे परफॉर्मेंस को हम तक ऐसे पहुंचाया
ऐसे पहुंचाया, इनको सुनते सुनते हम एक अलग दुनिया में खो गए, जहां पर स्त्री की वेदना, स्त्री की पीड़ा, स्त्री की समस्याएं, नारी जाति का अपमान परिलक्षित हो रहा था, दिख रहा था। और मैं समाज से आग्रह करूंगा, जैसा कि हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है, यत्र नारी अस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र यतास्तु ना पूज्यन्ते तत्र सर्वास अफला क्रिया। जिस समाज में महिला की पूजा, नारी जाति का आदर नहीं, वह समाज वहाँ पर सब कुछ विफल होता है और सब कुछ अशुभ होता है। और इन्हीं का एक शेर है कि मैं जब अपना मुकद्दर देखता हूँ, कयामत खेज मंजर देखता हूँ, हर एक रिश्ता नदी में आ समाए, नदी सा आ समाए, मैं औरत में समंदर देखता हूँ। तो नारी जाति से ऊपर, नारी जाति से आदरणीय, और नारी जाति से बड़ा इस सृष्टि के संचालन का श्रेयस्कर और कोई नहीं है। जितनी सहनशीलता, जितना लगन, जितना परोपकार, जितना स्नेह उनके अंदर भरा होता है, वी आर नॉट जस्ट 10% ऑफ देम। आई सैल्यूट देम एंड आई सैल्यूट दिस परफॉर्मेंस। देखिए, इतना अच्छा उन्होंने आपके बारे में बताया है कि आपकी हर एक लाइन उनको भी प्रभावित कर रही थी। अरे वो मेरा दोस्त है, वो तारीफ ही करेगा उसका। मोदी जी तारीफ कर रहे हैं। मोदी जी क्या तारीफ करेंगे, मोदी जी तो भाग जाते हैं। इनकी आवाज में एक स्टेटमेंट दीजिए, अखिलेश यादव जी के। बहुत अच्छा सुनाया है, और कहीं ना कहीं हमारी डिंपल भी होती तो वो भी समझती ये समाज की पीड़ा है, मतलब समाजवादी की पीड़ा है। और तो और इसी को समझ करके हमने लैपटॉप बांटा है, और इसी के लिए समाजवादी का चुनाव भी साइकिल है कि कहीं भी लड़कियों को दिक्कत ना हो, वो सक्षम हो सकें, और टैबलेट भी बांटा है। तो जो कुछ भी, इनकी कविता बहुत अच्छी है, हमारी सरकार आएगी तो हम इन्हें 11 लाख रुपए का यश भारती सम्मान देंगे। आपकी सरकार जल्दी आए बड़े।